नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सिवान शहर के डीएफई मोड़ पे हैं। इधर ये जो रास्ता डीएफई पीजी कॉलेज के तरफ जाता है, तस्वीरें दिखाएंगे तमाम दुकानों को जो है जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज सिवान शहर में एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की बल के साथ यहाँ जो भी अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिवान शहर के डीएफई मोड़ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाम की समस्याएं सिवान में आए दिन बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कैसे क्या हुआ है, नोटिस वगैरह मिला था आप लोगों को? नोटिस वगैरह नहीं मिला था सर, अनाउंसमेंट किए थे दो दिन पहले, लेकिन कभी मास्क तक कल भी तो अनाउंसमेंट, हाँ अनाउंसमेंट किए हैं, नोटिस वगैरह नहीं मिला था। ये दुकानदार हमारे भाई हैं, ये हमारे दुकान के अंदर ही बैठे हुए थे, कम से कम उनको तो बाहर निकाल देता, दुकान में अंदर बैठे हुए हैं, बैठे सही थे, जेसीबी से उलाट दिया है और अंदर ही दब गए हैं। और वो तो संजोग अच्छा है कि ये जिंदा बचे हुए हैं। क्या हुआ? अंदर से सामान हटा रहे थे तो उसके बाद आए निकले का टाइम ना दिए और गप से पलटी मार दिए। हाँ, पलट दिए प्रशासन के द्वारा। 5 मिनट भी समय नहीं ना, कुछ ना समय, ये बैठे हुए थे, अगर ना होता तो ये मर जाते उसमें दब के। और अचानक इनका बाल बच्चे का कौन देखता, प्रशासन करते हैं इनको बाहर निकाल के, अपने उलटना है उलटे जो करना है इनको बाहर निकाल देता कम से कम। ये कौन जाम की समस्या लग रही है कहीं इसको लेकर के? जाम की समस्या ये मेन रोड नहीं ना है, जाम की समस्या उधर से आती है, इधर इधर फ्रंट से मतलब है जाम की समस्या। जाम की यहाँ जाम की समस्या उसी वक्त होती है जब डीएवी पब्लिक स्कूल की बसें सब जाती है ना 10 मिनट के लिए, जब स्कूल खुलता है बंद होता है उसी वक्त जाम की समस्या थोड़ा यहाँ होती है। साहब ने कहा है कि पूरे सिवान शहर में अतिक्रमण हटाया जाएगा, लगातार 3 दिन तक ये चलेगा, लगातार 3 अनाउंसमेंट किए हुए थे। ठीक है, अनाउंसमेंट सर का हुआ था, अनाउंसमेंट सुना गया था, लेकिन टाइम देना चाहिए ना, सामान लोग निकाल रहे हैं दुकान में से। ठीक है, वो सर का अनाउंसमेंट हुआ है कि हाँ अतिक्रमण सब जगह से हट जाएगा, क्या हट गया पूरा सिवान से अतिक्रमण? क्या हटा दिए, वो क्लियर कर दिए हैं? ये आदमी अगर जो मर जाता दुकान के अंदर में है, अगर जो ये मर जाता तो अभी किसकी जिम्मेदारी होती? आप जेसीबी चलवा रहे हैं, देख रहे हैं कि दुकान के अंदर बैठा है कि नहीं बैठा, सामान वो निकाल रहा है, तब तक आप जेसीबी से पलट दिए, वो दब गया उसमें से, हम लोग उसको उठा के निकाले हैं। आप देखिए बुढ़े आदमी को, उसका समय प्रशासन के द्वारा समय नहीं दिया गया, नहीं समय में नहीं मिला गया हुआ अभी। जब आए हैं तो सुबह में आप खाली कर देते जी, खाली करके हट जाओ, तो नहीं हटता, उसके बाद करते। अच्छा मान के चलिए है, उसमें आदमी जब है तो उसको आदमी को निकाल के दुकान पलटिए, टूर के लेके जाइए अपने नगर पालिका में, मतलब नहीं रखता उसे कोई मायने। लेकिन यहाँ तक कम से कम ये बूढ़े आदमी है, हम लोग अगर जो बोलना चाहिए पुलिस को हट जाइए ना, हटाना चाहिए इन लोग का, इन लोग नहीं बोला है। लोग हमारा भी चप्पल जूता का दुकान था, हम भी उसी में जता देते, तब क्या करते हैं? तस्वीर सिवान के डीएवी मोड़ से दिखा रहे हैं, जहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान के द्वारा तमाम दुकानों को तोड़ा गया है। एक तरफ कहीं जिला प्रशासन जाम की समस्याओं से निजात देने के लिए ये अहम कदम उठा रहा है, तो कहीं दूसरे तरफ स्थानीय लोग जो हैं, जो दुकानदार हैं, इनके अंदर गुस्सा की लहर अभी दौड़ रही है। क्या कुछ वजह है, इनके जबान से ही आप सुन रहे थे कि किस तरह से प्रशासन के द्वारा यहाँ दुकान को पलट दिया गया, इसी दुकान में ये बैठे हुए थे। इन लोगों का ऐसा कहना है, इन लोगों का आरोप ये भी है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, लेकिन कल आपको बताएं कि पूरे सिवान शहर में रिक्शे से ऐसे प्रचार के द्वारा बताया गया लोगों को कि अतिक्रमण होने वाला है सिवान में, लेकिन स्थानीय लोग हैं, कुछ और लोग हैं बताएंगे। बताइए, आपका भी दुकान टूटा है क्या? ना, मेरा दुकान तो बच गया, मतलब कि हटा ली मेरा दुकान वहाँ पे था। प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं, लेकिन पूरे सिवान शहर में कल तो लगातार पूरे दिन तक रिक्शे से प्रचार के द्वारा, रिक्शा वाला इधर नहीं आया। अच्छा, इधर नहीं? ना, ना, इधर नहीं आया। आप लोगों को ना इधर नहीं आया, मेन रोड में प्रचार किया। तो हम आपको बताएं कि कल पूरे सिवान शहर में रिक्शे से प्रचार के द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा, लेकिन इधर वो रिक्शा नहीं आया, जिसके वजह से लोग अपनी दुकान खाली नहीं कर पाए थे या फिर दुकान यहां से हटा नहीं पाए थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। जिला प्रशासन का अहम कदम यह है कि सिवान में लगने वाली जाम, सिवान का दहानदी पुल बंद होने की वजह से ज़्यादा जाम की समस्या है, खैर पहले से भी जाम की समस्याएँ हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के द्वारा आज सिवान शहर के डीएवी मोड़ स्थित तमाम दुकानों को तोड़ा गया है। तस्वीरें फिर से दिखाएंगे, ये तमाम जो दुकानें हैं इन दुकानों को तोड़ दिया गया है, और जिसके बाद अब जो लोग भी हैं दुकान वाले वो लोग
अपनी दुकान की टूटी हुई सामानों को लेकर, लकड़ियों को लेकर अब यहाँ से हटाने के प्रयास में है। ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अलग अलग चौराहे से। SDM साहब से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो के आखिरी में। और आपको बताएं कि अगले लगातार 3 दिनों तक अभी सिवान में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ फहीम, न्यूज़ इंडिया तक सिवान।